नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, हमारे वीडियोस को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही हमारा एक वीडियो है साइटिका, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर साइटिका, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए, बहुत लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना और आपको साइटिका की मेडिसिन कुछ और बताई जाए। तो इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर साइटिका के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये साइटिका वीडियो का, साइटिका सीरीज़ का आप सेकेंड पार्ट समझ सकते हैं, साइटिका पार्ट टू। बहुत ही संक्षिप्त में हम जानेंगे कि साइटिका क्या है, साइटिका के लक्षण क्या हैं, साइटिका किन लोगों को ज़्यादा होता है, किन कारणों से होता है, और उसके बाद फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन में जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा दर्द जो कमर से शुरू होते हुए और कमर से शुरू होते हुए आपके जो बटक्स हैं, कूल्हों के पिछले हिस्से से होते हुए, जांघों के पिछले हिस्से से होते हुए, घुटने के पीछे से होते हुए और काफ मसल्स जो पिंडली है उसके पीछे से होते हुए पैरों तक जाए, ऐसे दर्द को हम साइटिका बोलते हैं। ये दर्द आपके कमर से होते हुए, कूल्हों के साइड से होते हुए, पाँव के, जांघों के साइड से होते हुए भी पाँव तक जा सकता है। यानी दर्द कमर से चालू होता है, या तो वो पीछे से ही एकदम पैरों तक जाए, या वो साइड से आके पैरों तक जा सकता है। ये दोनों ही तरह के दर्द को साइटिका बोला जाता है। दोस्तों, साइटिका जो है ना, वो जनरली जब लोग MRI करते हैं तो उसमें दिखता है कि L4, L5, L3, L4 जंक्शन में डिस्क बल्ज है। तो इसका क्या मतलब है? जो साइटिक नर्व है ना, साइटिक नर्व जो पाँव को सप्लाई करती है, वो नर्व वहीं से शुरू होती है, कमर से ही शुरू होती है, और उस हिस्से में डिस्क बल्ज होने के कारण उसमें दबाव पड़ता है। तो साइटिक नर्व के दबाव के कारण से ही इसका नाम पड़ा है साइटिका। यानी वो जो डिस्क है जो दो वर्टिब्रास के बीच में होती है, जो कि उसको कुशन प्रोवाइड करती है, वो डिस्क किसी भी वजह से, चाहे वो इंजरी हो सकती है, चाहे और भी कई कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से वो बल्ज हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, जिसको स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, और वो निकल के साइटिक नर्व को कंप्रेस करती है, और जहाँ जहाँ साइटिक नर्व जाती है वहाँ वहाँ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स को हम ब्रीफली, सिम्टम्स इसके सबसे पहला तो, और सब जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो होता है पेन, यानी दर्द। पेन का जो नेचर है वो रेडिएटिंग पेन है, यानी रेडिएटिंग या शूटिंग पेन आप बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को वो रेडिएट हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा दर्द जो कि साइटिक नर्व के रूट में ही आपको मिलेगा। और दर्द के साथ साथ कुछ और प्रोमिनेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे झंझनाहट, यानी टिंगलिंग जिसको बोला जाता है, जैसे झंझन करती है ना, कीड़े चल रहे हैं, वो इस तरह का सेंसेशन। तो ये सेंसेशन भी वही, ये ज्यादातर थोड़ा सा लोअर पार्ट में देखने को मिलता है, काफ्स मसल है या पैर के नीचे साइड में है, ऐसी जगहों पे ये जनरली देखने को मिलता है। उंगलियों पे भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये हो गया झंझनाहट यानी टिंगलिंग। इसके साथ साथ कई लोगों को सूनापन महसूस हो सकता है, यानी नंबनेस हो सकता है। कई लोगों को जलन भी देखते हैं हम लोग, बर्निंग जिसको हम बोलते हैं। साथ ही साथ कई लोगों में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी पाँव का जो ताकत है वो भी उनको कम महसूस होता है। साइटिका जो है वो जनरली एक साइड को अफेक्ट करता है, राइट या लेफ्ट, कभी कभी ये दोनों साइड को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बायलेटरल भी होता है, पर ज़्यादातर केस में हम देखते हैं साइटिका एक ही साइड में होता है। तो दोस्तों, ये तो था साइटिका के एक बारे में हमने ब्रीफली बताया, और अगर आप इसको डिटेल्स में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा साइटिका पर जो पहला वीडियो है उसको आप ज़रूर से देखिए। बिल्कुल। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर साइटिका, यानी साइटिका की होम्योपैथिक दवाइयाँ। बिल्कुल। तो पहले वीडियो में हमने कुछ दवाइयाँ बताई है, इस वीडियो में कुछ हम डिफरेंट मेडिसिन आपको बताएंगे जो कि इक्वली इफेक्टिव है साइटिका के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन जो है साइटिका पार्ट टू की, वो है रूटा ग्रेवियोलेंसिस। बिल्कुल। रूटा एक ऐसी दवाई है जो कि आप समझ लीजिए कि साइटिका में टॉप ग्रेड में हम रखते हैं। बिल्कुल। रूटा के जो मेजर जो कॉज है, जिस वजह से रूटा की ज़रूरत पड़ती है, उसमें मेजर ये होता है कि एक ही तरह की इंजरी अगर बार बार कंटिन्यूस हो रही है, यानी किसी पार्ट को अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो भी सिम्टम्स दिखते हैं उसको रूटा बहुत ही अच्छे से कवर करता है। इसको आप रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी बोल सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी पार्ट को रिपीटेडली यूज़ करेंगे ना,
तो उसमें बिकॉज वो रिपीटेडली बार 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 वो यूज हो रहा है, तो उसमें एक स्ट्रेन पड़ जाता है। जैसे इस केस में यहाँ पे जैसे क्या होता है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं खासकर, या जो भारी सामान उठाने का काम जिनका रेगुलर रहता है, वो एक ही तरह का काम रिपीटेटिव कर रहे हैं। ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो वो जो जर्किंग हो रहा है वो रिपीटेटिव जर्किंग हो रहा है, या भारी सामान उठा रहे हैं तो एक ही एरिया में कंटिन्यूअसली फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो इस केस में रूटा बहुत अच्छा काम अच्छा काम करेगी। इसके कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे जब आप चेयर से उठते हैं तो एकदम से आपको पैरों में लगता है कि एकदम पैरों में कोई जान ही नहीं है, इस तरह का फीलिंग आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उठने के बाद पैरों में जान नहीं आती है तो आप कई बार गिर जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर सिम्टम है रूटा का। साथ ही साथ जो दर्द इसका होता है, दर्द ज़्यादातर हिप्स और थाइज एरिया में होता है, बहुत यहाँ पे पेन फील होता है, साथ ही साथ झंझनाहट आपको फील हो सकती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेन जो है, जैसे मैंने पहले पिछली बार बोला कि थाइज और लेग्स के साथ साथ वो पेन नीचे की तरफ रेडिएट करता है। बिल्कुल। और रेस्टलेसनेस पैरों में बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। रेस्टलेसनेस सिर्फ पैरों में ही नहीं दोस्तों, रूटा के जो पेशेंट है ना, पूरा शरीर में ही रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी रहती है उनको। साथ ही साथ जो काफ्स मसल है, जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता है। बिल्कुल। बहुत पुलिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कि काफ्स को, हैमस्ट्रिंग्स को कोई पकड़ के टान रहा है, इस टाइप की फीलिंग आती है। बिल्कुल। और ये जो तकलीफ है दर्द की, ये तकलीफ जब लेटते हैं तब ये एग्रावेट हो जाता है। तो जब आप लेटते कब हैं, जनरली रात के टाइम पर, रात के टाइम पर अगर ये एग्रावेट हो रहा है सोने के टाइम पर। अच्छा, जब आप पाँव को स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेच करने के टाइम पर आपको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं आपके, बिल्कुल, तो आप रूटा 200 पोटेंसी में ज़रूर से लीजिए, दिन में दो बार, सुबह और शाम को, खाली पेट में दो दो बूंदे आपको लेनी है रूटा की। बिल्कुल दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण है साइटिका में, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ब्राइनिया का है पेन ड्यूरिंग मूवमेंट। यानी अगर मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप शांत पड़े हैं तो पेन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आराम से हैं आप, थोड़ा भी आप मूव कर रहे हैं तो आपको पेन होने लगता महसूस होता है। ये सबसे प्रोमिनेंट जो है ना रूटा का सिम्टम है, पेन ऑन स्लाइट मूवमेंट। ये सिम्टम अगर नहीं है तो आपको, आप ब्राइनिया आपकी मेडिसिन नहीं है, ब्राइनिया की जरूरत आपको नहीं है। ब्राइनिया की जरूरत है तो ये सिम्टम आपको जरूर से होना चाहिए। अच्छा, पेन जो है उसका नेचर कैसा रहता है, स्टिचिंग और टीयरिंग। मतलब स्टिचिंग मतलब आप सोच सकते हैं आप किसी चीज को स्टिच करें, है ना, तब कैसा दर्द होगा, उस तरह का दर्द होता है। टीयरिंग कुछ फट रहा हो, इस तरह का दर्द, यानी ब्राइनिया का जो पेन है वो बहुत ही सीवियर होता है दोस्तों। और दोस्तों ब्राइनिया में जो दर्द है ना, उसमें अगर गरम सेक दिया जाए तो गरम सेक से वो पेन एग्रावेट हो जाता है। साथ ही साथ लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस साइड में आपको दर्द हो रहा है उस साइड पे अगर आप करवट लेके सो जाएं, यानी उसके बल पे अगर आप सो जाएं, तो पेन में रिलीफ मिल जाता है, यानी प्रेशर से पेन रिलीफ हो जाता है। तो ये ब्राइनिया का लक्षण है। ब्राइनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, जनरली पानी का प्यास इनको बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और अच्छी क्वांटिटी में ये पानी पीते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा करके पानी पीना पसंद करते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप ब्राइनिया 200 पोटेंसी में ज़रूर से लीजिए, दो दो बूंद, दिन में दो बार, सुबह और शाम को। बिल्कुल दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन जो है वो है एस्क्यूलस हिप। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है साइटिका के लिए। बिल्कुल। इसके कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स हम आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला जो सिम्टम है वो है क्रैम्पिंग पेन, मतलब जैसे मरोड़ बोलते हैं, है ना, हम मरोड़ आने जैसा दर्द होता है, साथ ही साथ अगर उसमें जलन रहे तो ये एस्क्यूलस हिप का सिम्टम है। एस्क्यूलस हिप का जो दर्द होता है ये फ्रॉम लोअर बैक टू नी, यानी जो कमर होता है, लोअर बैक यानी कमर, कमर से लेकर घुटने तक ये दर्द जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाता है एस्क्यूलस हिप का। साथ ही साथ ये पेन आपको तब ज़्यादा होता है जब आप चलते हैं, या चलने की कोशिश जब आप करते हैं तब ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। बिल्कुल दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम एस्क्यूलस हिप में है ना, कमर दर्द के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी रहती है ऐसे लोगों को। जब आप शौच करने गए और आप स्ट्रेन कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तब आपको कमर दुख रहा है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन पाइल्स भी डेवलप हो जाता है। तो पाइल्स प्लस बैक पेन की रामबाण दवाई है एस्क्यूलस। अगर आपको पाइल्स की कंप्लेन है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, और उसके साथ साथ अगर कमर दर्द हो रहा है,
तो यकीन मानिए एस्कुलस से बेटर मेडिसिन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है। सेम 200 पावर में एस्कुलस, 200 पावर में 7 दिन तक आप ले लीजिए इसको एक ही बार सुबह खाली पेट में, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हमारे इस वीडियो की नेक्स्ट मेडिसिन है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है साइटिका के लिए। बिल्कुल, खासकर जिन लोगों को दोनों साइड में साइटिका है उनको, उनके लिए रामबाण दवाई है। इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका जो दर्द होता है, जो साइटिका का पेन होता है, वो पीरियडिक होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता है। बिल्कुल, जब होता है बहुत तेज होता है या तो कभी नहीं होता है। बहुत लोगों का ऐसी भी कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब पेन कंटिन्यूअस नहीं रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। दूसरा जो इसका सिम्टम है, टेयरिंग पेन होता है, यानी टेयरिंग एंड शूटिंग पेन। रात को जब आप लेटते हैं तो इसका पेन बढ़ जाता है आपको, यानी पेन एग्रावेट्स ऑन लाइंग डाउन। बिल्कुल, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं जो विस्कम एल्बम के पेशेंट्स, उनका जो पेन होता है वो ठंड के टाइम पर, यानी विंटर में वो ज्यादा हो जाता है, एग्रावेशन हो जाता है। मूवमेंट से भी एग्रावेट होता है, बेड में जाने से यानी लेटने से भी एग्रावेट होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको है तो आप विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में लीजिए, दो दो बूंद दिन में 3 बार करके। बिल्कुल, तो इस तरह से आप ये मेडिसिन लीजिए, आपको साइटिका में ज़रूर से रिलीफ मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो एक छोटी सी फीस देकर आप नीचे जो नंबर्स दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप कंसल्टेशन बुक करिए। हम आपसे ज़रूर कंसल्ट करके आपको जो बेस्ट मेडिसिन होगी आपके लिए वो ज़रूर बताई जाएगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे और कोई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट्स हो हमको ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।